हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी पनिसिपेट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर, बड़ी खुशखबरी के बारे में, नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। छोटी मोटी शिक्षक भर्ती नहीं, बड़ी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, पदों की संख्या की अगर बात की जाए या फिर अगर बात की जाए इसके विज्ञापन को लेकर या हम बात करें इसके आवेदन और एग्जाम को लेकर, बहुत सारी जानकारी आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। और ये आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन और मोटिवेटेड अपडेट भी है क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी का विवाद जब से शुरू हुआ है छात्र डिमोटिवेट हो चुके हैं, किताब तक नहीं उठा पा रहे कि तैयारी करें या ना करें। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को कई बार कहा है कि बीएड और बीटीसी का जो विवाद है वो पूरे तरीके से राजनीतिक है, सरकार चाहे तो कभी भी कुछ भी कर सकती है। लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए कि अपने हक के लिए आगे की आवाज़ तो उठानी है, लेकिन आपको किताब भी उठानी है क्योंकि शिक्षक भर्ती आएगी तभी तो आपको नौकरी मिलेगी और शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी पढ़ेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप बीएड हैं या बीटीसी, आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है एक बड़ी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। और ये जानकारी जारी कर दी गई है सरकार के माध्यम से यानी कि शासन के माध्यम से। डिटेल में जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बीएड वर्सेज बीटीसी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए फैसले के बाद लगातार बीएड अभ्यर्थियों को लेकर इंतजार है कि सरकार उनके लिए कोई फैसला लेगी। और इसी के संबंध में बीएड को लेकर मुख्यमंत्री के माध्यम से फैसला भी लिया गया है और उनके लिए शिक्षक भर्ती को लेकर भी जानकारी प्रेषित की गई है। यानी कि बीएड और बीटीसी दोनों ही सरकार के वोट बैंक हैं, वो इनको आपस में लड़ाकर मुद्दों से भटका सकते हैं लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं, क्योंकि अगर उनको भी वोट चाहिए तो सरकार को शिक्षक भर्तियाँ निकालनी पड़ेंगी। और अगर आप लोग इसी तरीके से आपस में लड़ते रहे तो सिवाय आपके नुकसान के ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी का जो मामला है इसको लेकर आपको सरकार पे प्रेशर बनाने की आवश्यकता है आपस में लड़ने के बजाय, चाहे वो बीटीसी अभ्यर्थी क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप शिक्षक भर्ती के लिए लड़ेंगे तभी तो नौकरी मिलेगी, बीएड के साथ बहस करने से नहीं होगा। और बीएड अभ्यर्थियों को बीटीसी के साथ नहीं, सरकार से आपको लड़ाई लड़नी है तभी आपको मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल अब बात कर लेते हैं खुशखबरी के बारे में, एक नई और बड़ी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जिसकी जानकारी प्रेषित कर दी गई है। इसके आवेदन आपके अगले महीने यानी कि अक्टूबर में आपको देखने के लिए मिलेंगे और परीक्षा आपकी जनवरी में कराए जाने की संभावना है। यानी कि आपने आने वाले 3 से 4 महीने मन लगाकर तैयारी कर ली तो निश्चित तौर पे आप सभी जनवरी और फरवरी के अंदर शिक्षक पद पे कार्य करते हुए दिखाई देंगे और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दा आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है कि मुख्यमंत्री ने किया मंथन, विभाग को तैयारी शुरू करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया है। यानी कि यहाँ से शासन आदेश जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए टीचर्स के लिए, एक और बड़ी बहाली जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। अक्टूबर नवंबर में आएगा विज्ञापन, यानी कि इसको लेकर विज्ञापन की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और जिन छात्रों को ये लगता है कि ये जुमला है, ये फेक है, तो मैं उनको बता दूं कि बिहार सरकार, मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं करता लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बिहार सरकार भले ही चुनाव की आड़ में शिक्षक भर्ती निकाल रही है लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य जो चुनाव की आड़ में भी शिक्षक भर्ती नहीं निकालते, कम से कम छात्रों को नौकरी तो मिले चाहे चुनाव के चलते मिले। तो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर या बिहार सरकार के माध्यम से एक और बड़ी शिक्षक भर्ती निकाली जा रही है और आप इसको जुमला बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि बिहार में शिक्षक भर्तियां आती हैं। इसका सबूत आपने 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती देख ली, ना तो पिछले पास्ट में कभी आई है, ना वर्तमान में कभी आएगी और ना ही फ्यूचर में कभी आने वाली है इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती। तो एक बार फिर से उनके माध्यम से नई शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अक्टूबर और नवंबर के अंदर इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जल्द ही टीचर्स की एक और बड़ी बहाली देखने के लिए मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए आने वाले समय में होने वाली भर्ती के लिए शिक्षा विभाग को तैयारी शुरू करने का जो आदेश है वो दे दिया है। माना जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर के अंदर नई बहाली शुरू करने को लेकर विज्ञापन जारी कर सकते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ में शिक्षा मंत्री, इसके अलावा प्रोफेसर चंद्रशेखर और इसके अलावा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बैठक देखने के लिए मिलती है, जिसमें मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े हुए
खाली पदों को जल्द भरने को लेकर निर्देश देते हैं, यह भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से कहा है कि बीपीएससी की तरह वर्तमान में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया होने जा रही है और तत्काल बाद शिक्षक नियुक्ति के लिए एक और शिक्षक भर्ती की जो तैयारियाँ वो शुरू करवाई जाएँ, जिसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने लिखी भी हुई है कि जो टीचर्स की कमी है उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और जल्द से जल्द इन मामलों को पूरा करने की तैयारी भी है। इसी के बारे में यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात की जाए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए फैसले को लेकर भी जानकारी लिखी है कि सीएम हाउस में हुई उच्च स्तरीय मीटिंग में शिक्षा विभाग के राज्य स्कूलों में टीचर्स की कमी को पूरा करने के लिए टास्क दिया गया है। इसके अलावा इसी मीटिंग में शिक्षा विभाग से जुड़े नीतिगत मामलों में भी चर्चा देखने के लिए मिलेगी। सूत्र बताते हैं कि इससे पहले हुई मीटिंग में जो निर्देश दिए गए थे उनके पालन के संदर्भ में उठाए गए कदमों की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली है। सूत्रों का कहना यह है कि बैठक में हाल ही में शिक्षक नियोजन में बीएड डिग्री से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी यहाँ पे जो अनौपचारिक चर्चा है वो भी देखने के लिए मिली है। यानी कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर भी बिहार सरकार के माध्यम से मंथन किया गया है, साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। अब अगर बात कीजिए इसमें विज्ञापन को लेकर, तो आप जानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में इसका विज्ञापन जारी करने की तैयारियां हैं। पदों की संख्या कितनी देखने के लिए मिलेगी? दोस्तों अभी हाल ही में 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई है, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि लगभग 40,000 से 50,000 पद इस वैकेंसी में खाली जाएंगे। 40,000 से 50,000 जो पद खाली देखने के लिए मिलेंगे वो आप सभी को नई भर्ती में जोड़कर निकाले जाएंगे और वर्तमान में बिहार के अंदर 1,70,000 के अलावा 50,000 पद पहले से खाली हैं। यानी कि 50,000 पद पहले से खाली पड़े हुए हैं और 40,000 से 45,000 पद और आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 98,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में आपकी एक बार फिर से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बिहार सरकार जारी करने की तैयारी कर रही है। और ये मजाक नहीं है, अगर आपको मजाक लग रहा है तो आप अपने फ्यूचर के साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने करके दिखाया है। हाल ही में 1,70,000 शिक्षक भर्ती निकाली और उसके बाद एक बड़ी शिक्षक भर्ती की तैयारी शुरू कर दी, तो आने वाले समय के अंदर लगभग मिलाकर 98,000 से लगभग 99,000 के आसपास पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी बिहार में फिर से शुरू हो चुकी है और आने वाले समय के अंदर इसका विज्ञापन भी अगले महीने शुरू हो जाएगा। सवाल होगा कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकेंगे, तो इसमें बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली जाएगी प्राइमरी से लेकर अपर प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी की होगी। अगर प्राइमरी में बीएड छात्रों को मौका मिलता है तो बीएड अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे, अगर नहीं मिलता तो अपर प्राइमरी में बीएड वाले छात्रों को मौका मिलेगा, साथ में बीटीसी को भी। और अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो टीजीटी पीजीटी के लिए हाल ही में एसटीईटी परीक्षा भी करवाई गई थी, उसमें तो बीएड वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलना ही मिलना है। निश्चित तौर पर एक आने वाली बड़ी शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारी बिहार सरकार ने शुरू कर दी है। क्या आपने शुरू की? तो उठा लीजिए किताब, एक बार फिर से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको बीएड वर्सेस बीटीसी की लड़ाई के साथ आपका उद्देश्य एक नौकरी पाना है और नौकरी तभी मिलेगी जब आप पढ़ाई करेंगे। ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट और फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट फ्लैश वीडियो के माध्यम से। इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।